नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ। इसलिए दोस्तों, आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, और जिन प्रश्नों के दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, ताप नियंत्रण का केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा। मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। ताप नियंत्रण का केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। और आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, भूख प्यास ताप नियंत्रण तो आपको पता ही हो गया, प्यार घृणा आदि का केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। अगर जो यही प्रश्न रहे, पूछ ले भूख प्यास का नियंत्रण या प्यार घृणा आदि का नियंत्रण मानव मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, तो आप इसे दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है। किस विटामिन में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। विटामिन बी12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी12 का दोस्तों क्या है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का क्या है, रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे हैं, किस कुल के पौधे हैं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलेनेसी कुल के ये पौधे हैं। किस कुल के, तंबाकू और आलू पूछ रहा है, सोलेनेसी कुल के। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने है, और आप कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा इसका, अगर आपको पता हो तो। इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। और आपको बता दूं दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इनके ही द्वारा स्थापित ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यह कराया गया है। ठीक है, एक बार पढ़ा चुका हूं यह प्रश्न। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है, कितनी होती है। पिछले बार बताया था तो उसमें जोड़ी में दिया था, 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब 24, और इसमें संख्या पूछ रहा है। संख्या पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों, 24 बताएंगे, जोड़ी पूछे तो 12। जोड़ी का मतलब क्या होता है, 2, 12 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 × 2 = 24, यानी कि पसलियों की टोटल संख्या क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, और जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न है, प्रयोगशाला में अम्ल क्षार सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लिटमस पेपर, ऑप्शन नंबर बी है फिनाक्टिलीन, ऑप्शन नंबर सी है मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रयोगशाला में अम्लक्षार सूचक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पेपर का भी, फिनाक्टिलीन का भी, और मिथाइल ऑरेंज का भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट कीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है धावन सोडा का रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए बता रहा हूँ, Na2 और CO3, इसका क्या होता है दोस्तों, रासायनिक सूत्र होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, कपड़ों की धुलाई में किया जाता है। क्या होता है रासायनिक सूत्र, एक बार देख लीजिएगा, Na2CO3 होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आठवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकांड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, नौवां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नाशी है,
चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मेटोला क्लोर। मेटोला क्लोर खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी क्या होता है दोस्तों, जैसे गेहूं धान की खेती होती है तो उसमें फसल के साथ साथ कुछ अवांछनीय घासें भी जम जाती है, उसी घासों को दोस्तों नष्ट करने के लिए मेटोला क्लोर का छिड़काव किया जाता है, जिससे घासें क्या होती है दोस्तों नष्ट हो जाती है। घासें जब नष्ट हो जाएंगी तो जो भी पौष्टिक ऊर्जा होगी दोस्तों वो क्या होगा फसल को मिलेगा, जिससे फसल क्या होगी मजबूत होगी यानी अच्छी होगी, ठीक है। तो खरपतवार नाशी क्या होता है, जो अनवांछित घासें होती है उन्हीं को बोला जाता है, तो मेटाला क्लोर होता है, इसके कारण क्या होता है दोस्तों खरपतवार नाश हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दसवां प्रश्न क्या है, दसवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसे देखिए, इसे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष का स्थापना कब हुआ ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों अंतरिक्ष का संगठन का गठन कब हुआ ये भी पूछा जाता है, तो 1962 में, कब हुआ था दोस्तों 1962 कब हुआ था दोस्तों 1962 में इसका गठन हुआ। और इसकी अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अध्यक्षता, इसरो का गठन यही पूछा जाता है, ठीक है। कब हुआ दोस्तों 1962 में, किसने किया, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, तो आप इसे भी याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, राकेश शर्मा की प्रसिद्धि किस क्षेत्र से है, यानी किस क्षेत्र में है, हॉकी में, फुटबॉल में, अंतरिक्ष में, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में। राकेश शर्मा की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है, तो अंतरिक्ष में है, और दो दोस्तों बता दूं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा ही थे, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पुणे में। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है, पुणे में। और इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में, कब हुई थी 1960 में, ये भी पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य कौन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट आप जरूर कीजिएगा। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीहू। बीहू दोस्तों असम राज्य का लोक नृत्य है। और गरबा दिया हुआ है, गरबा कहाँ का है दोस्तों, गुजरात का है। भांगड़ा कहाँ का है दोस्तों, पंजाब का लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब और गरबा गुजरात, और बीहू दोस्तों कहाँ का है, असम का, ठीक है। तो इन तीनों प्रश्नों को याद रखेंगे, तीनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, दोस्तों नए स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों बता दूं, पंचम पब्लिशर की एक अच्छी ई बुक आई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे दोस्तों आप रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी, यूपी, ट्रिपल एससी या अदर आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों। इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट करते हैं दोस्तों। इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों। इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत ₹150 रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र ₹25 में मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ईबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है, तो पंचम पब्लिशर के दोस्तों कस्टमर केयर नंबर यहां पर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसी बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इसी बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य कौन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी कीजिए। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य कौन है,
मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है जीएसटी क्या है। जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर, एक कॉपरेटिव टैक्स, एक नगर निगम कर। तो चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है दोस्तों? एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे आप याद रखेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। और भारत में दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लागू है। और दोस्तों बता दूं, एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। क्या है दोस्तों? एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। भारत का 122वां संविधान संशोधन विधेयक जीएसटी से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। और जीएसटी विधेयक को अभी पुष्ट करने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? असम है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। देखिएगा दोस्तों, इस पे दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक होता है प्रश्न बनता है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना, एक है राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1949 में। बता दूं दोस्तों, भारतीय, देखिए यहां पे भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935। स्थापना दोस्तों याद रखेंगे 1935, हमेशा पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और कमेंट भी करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 में, इसे भी याद रखेंगे। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको बता दूं, ये सब प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट भी कीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये भी बताइएगा आप क्या करेंगे, लाइक करके दोस्तों आप मुझे मोटिवेट जरूर किया करें। लाइक ज्यादा से ज्यादा आप करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, तो मुझे मोटिवेशन ये मिलता है कि हाँ, मैं जो पढ़ाता हूं आपको समझ में आता है, ठीक है। तो लाइक, इस वीडियो को एक लाइक आप जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा 18वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? और चारों ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। तो आप इसे दोस्तों क्या रखेंगे? याद रखेंगे। और आपको बता दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या का उल्लेख है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है दोस्तों? 552 हो सकती है, जहां पर 530 जो सदस्य होते हैं राज्यों से, 20 सदस्य संघ राज क्षेत्रों से, तथा 2 सदस्य अंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशित किए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 552, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 में। किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या? कारखानों आदि में काम करने से निषेध है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और दोस्तों ये अनुच्छेद 23 भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 23 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम से प्रतिषेध की बात है, ठीक है, अनुच्छेद 23 में, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। संविधान सभा का अस्थाई पूछ रहा है, यहाँ पे देखिएगा अस्थाई और अस्थाई पूछा जाता है, तो यहाँ पे अस्थाई पूछ रहा है, तो अस्थाई आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों बता दूं, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष क्यों से दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर
दिसंबर 1946 को बनाया गया था। कब बनाया गया था सस्टेनर सिन्हा को? 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई। ठीक है, तो अस्थाई और अस्थाई दोनों याद रखेंगे, दोनों पूछे जाते हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पदमुक्त किया जा सकता है किसके आदेश पे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के आदेश से राज्यपाल को पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुंडल वन में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन में, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और एक और प्रश्न बनता है, प्रथम बौद्ध संगीति ये कहाँ है दोस्तों? राजगृह। प्रथम कहाँ? राज गृह। और द्वितीय पूछा जाता है तो द्वितीय वैशाली है। द्वितीय कहां है? द्वितीय कहां आयोजन किया गया था? वैशाली में। और तृतीय का दोस्तों पाटलिपुत्र में। ठीक है, तृतीय का पाटलिपुत्र, प्रथम कौन? राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथा कौन है? कुंडलवन। ठीक है, तो चारों को याद रखेंगे, चारों पूछे जाते हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया? किसे बनाया? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न, बार बार प्रश्न पूछे जाने वाला है, रिपीटेड प्रश्न है। और ये प्रश्न देखने से पहले दोस्तों बता दूं, दोस्तों अगर आप मैथ में वीक हैं, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैं एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों उस चैनल पे मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों वहां जब आपकी मैथ की सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों उस चैनल पे जरूर जाए जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ये सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आपको दोस्तों बता दूं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1875, ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती को दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को, याद रखेंगे। भारत का मार्टिन लूथर हमेशा पूछा जाता है किसे कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 25वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला है। साखी सबद और रमैनी निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख कृति है? नाभादास, चीत स्वामी, सूरदास, कबीरदास। चारों ऑप्शन को पढ़िए, इसे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। साखी सबद और रमैनी ये सब क्या है दोस्तों? कबीरदास की प्रमुख कृतियां हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों, वहां पर आप क्लिक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, उसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी, यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।